हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ़िश करी। तो मैंने यहाँ पे ले ली है फ़िश, आधा किलो मैंने फ़िश ले ली है। आप देख सकते हैं मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से। दो बड़े चम्मच मैंने बेसन के लिए हैं। एक चम्मच डाल दूंगी इसमें मैं हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डाल दिया मैंने इसमें धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच डाल दूंगी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच डाल दूंगी मैं इसमें आमचूर पाउडर, आधा चम्मच डाल दूंगी इसमें मैं नमक, एक चुटकी डाल दूंगी हींग। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और फिर इसको फ्राई कर लूंगी। यहाँ मैंने फिश को अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप। मैंने इसमें हल्का पानी डाल लिया था इसको मिक्स करने के लिए, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको 2 से 3 मिनट अब मैं रेस्ट पे रख दूंगी। और यहाँ मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल। इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। अब मैं एक एक करके सारी फिश को डाल दूंगी मैं फ्राई करने के लिए। इसको मैंने शैलो फ्राई करना है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अब मैं इसको टर्न कर दूंगी। इसको मैंने टर्न बाय टर्न पकाते रहना है, बार बार इसको टर्न करते रहना है जब तक हमारी अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती है। तो ऐसे मैंने सारी फिश को मैंने टर्न कर देना है। मैंने इसको बिल्कुल मीडियम आंच पर मैं इसको पकाऊंगी। ये मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, अब मैं इसको निकाल लूंगी और दूसरी साइड में रख दूंगी ग्रेवी बनाने के लिए। फिश करी बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने मसाला तैयार करना है। यहाँ मैंने ग्रेवी बनाने के लिए रख दिया, मैंने टमाटर ले लिए थे मैंने 4 और 2 मैंने बड़े प्याज ले लिए हैं, हरी मिर्च। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब ये हमारे पक चुके हैं बिल्कुल, छिलके इसके निकल गए हैं। अब मैं इसके छिलके छिलके निकाल दूंगी और इसका बना लूंगी मैं पेस्ट। गैस को कर दूंगी बंद में और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी अभी थोड़ी देर के लिए। जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा हो जाता है तो फिर मैं इसकी ग्रेवी बना लूंगी। यह मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें 2 बड़े चम्मच डाल दूंगी मैं ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा और आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया डाल दिया है और साथ ही डाल दूंगी मैंने 3 लाल मिर्च ले ली हैं, इसको भी मैं डाल दूंगी साथ ही। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने मोटी सरसों ले ली है, वो डाल दूंगी। इसको साथ साथ में स्टर करती जाऊंगी। अब 1 चम्मच मैंने यहाँ अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट ले लिया है, इसको डाल दूंगी।
अब मैं डाल दूंगी इसमें पेस्ट जो मैंने बनाया था, प्याज और टमाटर का। इसको साथ साथ मैं हिलाती जाऊंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी पानी। पानी मैंने मिक्सी जार को मैंने धो लिया था, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया इसमें। अब इसको अच्छे से पका लूँगी। जब तक ये इससे ऑयल ना निकल जाए, मैं अच्छे से मसाले को भून लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी एक चम्मच, बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, एक जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और एक टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे हरी लाल मिर्च। मैंने हरी मिर्च भी डाली थी, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाल दिया है एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च, और एक बड़ा चम्मच डाल दूंगी इसमें मैं नमक। तो यहाँ मैंने बड़ा चम्मच नमक डाल दिया है। इसको अब मैं मिला लूँगी। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से पकने दूँगी। जब तक इससे ऑयल रिलीज नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकने देंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी, और इसमें साथ ही डाल दूँगी मैं खटाई। थोड़ी सी खटाई डालूँगी मैं इसमें। तो खटाई के लिए मैंने ले ली हैं कच्चे आम के जो पीसेस होते हैं हमारे हिमाचल में, उसको सुखा लेते हैं तो उसको फिर यूज़ करते हैं हम, तो वह आज वो यूज़ करूँगी। तो मैंने वो डाल दी हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसे बहुत अच्छा खट्टा टेस्ट आता है। अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी करी, तो देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें डाल दूंगी फिश। तो अब मैंने सारे पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया था, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी वन बाई वन। वैसे इसको पीसेस के साथ इसको एक से दो मिनट पकाऊंगी मैं, और बिल्कुल रेडी है हमारी। अब मैं डाल दूंगी इसमें गरम मसाला। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है इसमें, और गार्निशिंग के लिए डाल दूंगी मैं हरा कटा हुआ धनिया। तो हमारी करी बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। आप ज़रूर एक बार ट्राई करें मेरी ये वाली रेसिपी, और आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अब मैं करती हूँ इसको गर्मा गर्म सर्व। गैस को मैं कर दूँगी ऑफ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर कढ़ी में आया है, और कितनी अच्छे से ये इसकी ग्रेवी पक गई है। बिल्कुल रेडी है हमारी गर्मा गर्म फिश कढ़ी। देख सकते हैं आप, बिल्कुल रेडी है हमारी कढ़ी। तो लें, आप टेस्ट करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।